हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती छावड़ी और मैं आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, जिसमें हम सभी के सभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को प्रॉपर टाइमलाइन और मैप के ज़रिए कवर करेंगे। ये है एपिसोड 4 इसी सीरीज़ का, जिसमें हम लोग बात करेंगे वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट की। यानी कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स भारत में व्यापारियों के तौर पर आए ज़रूर थे, लेकिन धीरे धीरे करके युद्ध के बलबूते पर बैटल्स लड़के धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को कैप्चर किया, अलग अलग हिस्सों को कैप्चर किया और ब्रिटिश इंडिया क्रिएट किया। तो आज उन्हीं वॉर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैप जो भारत का था उस समय में, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन जैसा कोई कंसेप्ट उस समय में एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। मुगल सल्तनत जो है उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मुगल सल्तनत औरंगजेब की मृत्यु के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी और उसी साम्राज्य के भीतर आप यहाँ पे बहुत से नवाब्स और सूबेदार्स को अपने हिसाब से अपने अपनी प्रोविंसीज को रूल करते हुए देखेंगे। तो आइए पहले इन स्टेट्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बात करेंगे अलग अलग वॉर्स की, जिसके ज़रिए ब्रिटिशर्स ने इन सभी स्टेट्स और एरियाज़ को कैप्चर किया। सबसे पहले बंगाल प्रोविंस, ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर प्रोविंस जो है ये मुगल सल्तनत के अंडर ही आता था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत के राजा सिर्फ और सिर्फ एक पपेट की तरह काम करते थे और सारी की सारी पावर्स उनके मिनिस्टर्स के हाथ में ही होती थी। इसी दौरान यहाँ बंगाल वाले एरिया में जिस नवाब को नियुक्त किया गया था, मुर्शीद कुली खान, उन्होंने इस एरिया को ऑटोनॉमसली रूल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक रूल करती है। लेकिन बंगाल का हिस्सा ब्रिटिशर्स के हाथों बहुत पहले ही आ गया था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के कारण। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद में रूल कर रहे थे निजाम्स। निजाम्स भी मुगल सल्तनत के अंडर ही आते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल सल्तनत का राजा बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, तो उन्होंने हैदराबाद वाले रीजन को फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मुगल सल्तनत के कनेक्शन के, ऑटोनॉमसली यहाँ रूल करना शुरू कर दिया। फिर आता है अवध। अवध की कहानी भी कुछ वैसी ही है। यहाँ अवध भी मुगल सल्तनत का ही एक प्रोविंस था, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से नवाब जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट को हेरिडिट्री कर लिया और यहाँ पर आप बुरहान उल मुल्क जो नवाब हैं उनको अपनी पोस्ट हेरिडिट्री करते हुए देखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर एरिया वॉज अंडर मुगल सल्तनत ओनली, लेकिन यहाँ भी ऑटोनॉमस तरीके से यहाँ के नवाब रूल करने लग जाते हैं और काफ़ी हद तक ये फ्री स्टेट के तौर पर काम करता है। और मुगल्स तो हैं ही, मुगल्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते ही थे। तो ये जितना भी एरिया अब तक हमने देखा, अवध हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, ये सारे सक्सेसर स्टेट्स हैं। यानी कि ये वो स्टेट्स हैं जो मुगल सल्तनत के कमज़ोर होने की वजह से सामने आए फ्री तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने मुगल सल्तनत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए मुगल्स के साथ युद्ध लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश किया, जैसे कि यहाँ पे आप मराठास को देखेंगे। सो मराठास ऐसे ही थे, उन्होंने मुगल सल्तनत को हराया, उनके साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध में इन्वॉल्व रहे और उसके बाद ये स्टेट क्रिएट किया। उन्हीं के बिल्कुल नीचे वाले इलाके में आपको मैसूर भी देखने को मिलेगा। मैसूर मुगल सल्तनत के अंडर ही काउंट होता था, लेकिन मैसूर का जो राजा है, जो वोदियार डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी, वो मुगल्स की सुजरेंटी के अंडर रूल कर रही थी, मतलब ऑटोनॉमस नहीं थी वो। पर कहा यह जाता है कि वोदियार डायनेस्टी सिर्फ नाम की डायनेस्टी थी, एक्चुअल में यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो थे मिलिट्री कमांडर्स, जैसे कि हैदर अली खान और हैदर अली खान की डेथ के बाद टीपू सुल्तान। फिर सिख एम्पायर भी एक ऐसा ही एम्पायर है जो कि मुगल सल्तनत के साथ युद्ध लड़ लड़कर अपने आप को क्रिएट करता है। और सिख एम्पायर छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज में बटा हुआ था और उन कॉन्फेडरेसीज को मिस्ल कहा जाता था, और उन मिस्ल के ऊपर जो भी व्यक्ति रूल करता था वो मिस्लदार कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे करके मिस्लदार का कंसेप्ट ख़त्म हुआ और रणजीत सिंह नाम के मिस्लदार ने अपने आप को सबसे पहले महाराजा घोषित किया। तो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आपको सिख एम्पायर उभरता हुआ देखने को मिलेगा। मराठास की कहानी भी कुछ वैसी ही थी। मराठास भी यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज में, चार कॉन्फेडरेसीज में बटे हुए थे। चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिलीज जैसे कि गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और एक तरीके से
होलकर्स जो हैं वो मराठा एम्पायर पर रूल कर रहे थे। सो, कुछ इस प्रकार का दिखता था मैप भारत का। वहीं नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में अगर आप देखेंगे तो सिंध का इलाका भी था, सिंध वाला रीजन भी था जिसको ब्रिटिशर्स कैप्चर करेंगे। मैसूर के नीचे वाला हिस्सा जो आज के समय में केरला कहलाता है, वहाँ पे वर्धमान डायनेस्टी रूल कर रही थी। एक तरीके से मर्तंद वर्मन नाम के जो रूलर हैं वो रूल कर रहे थे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा भारत जो है वो दिखता था। धीरे धीरे करके अब हम समझेंगे कि कैसे इन एरियाज़ को कैप्चर किया गया, किस तरीके से, किस तरह के अलाइंस क्रिएट करके। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसूर स्टेट की। ये जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है 1765 से 1855 के बीच, इसी में हम लोग और कुछ नए एडिशंस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया वो 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें हैदर अली ने ऑब्वियसली यहाँ पे अंग्रेज़ों को हरा दिया। और ये तय किया गया कि युद्ध के दौरान जितनी भी एक दूसरे की टेरिटरी कैप्चर की है उसको वापस लौटा दिया जाए। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ, और इस वॉर के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से इस युद्ध को पूरा करते हैं टीपू सुल्तान। हालांकि ये जो मैच था, ये पर्टिकुलर वॉर जो था, ये ड्रॉ रहा और इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको फैलाव नहीं देखने को मिलेगा अंग्रेज़ों का। इसके बाद बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसमें ऑब्वियसली टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं और उसी की वजह से उन्हें 3 करोड़ रुपये की वॉर इंडिमनिटी अंग्रेज़ों को देनी पड़ती है। इसके साथ साथ मैसूर का काफ़ी सटा हुआ कोस्टल इलाका भी अंग्रेज़ों के हाथों चला जाता है। आखिरी जो वॉर लड़ा गया वो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की मैसूर के साथ जो दुश्मनी है उसके पीछे का कारण काफ़ी हद तक फ्रांसीसी भी रहे हैं। फ्रांसीसी जो हैं उनका काफ़ी हद तक जो इन्फ्लुएंस है वो मैसूर स्टेट में फैलता देखा जा सकता था। इवन हैदर अली और टीपू सुल्तान जो हैं वो भी फ्रांसीसी व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे, जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मैसूर को कैप्चर करने की सोची एंड ये चार एंग्लो मैसूर वॉर जो हैं ये आप होता हुआ देखेंगे। फाइनली जाकर जो वोदियार डायनेस्टी थी, जिसको टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उस एरिया में मैसूर में रिस्टोर कर दिया गया, उसके साथ एक ट्रिटी साइन की गई, सब्सिडरी अलाइंस में यहाँ पे वोदियार डायनेस्टी को इन्वॉल्व किया गया। और ये जो सब्सिडरी अलाइंस है ये अपने साथ लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलाइंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब लॉर्ड वेलेस्ले बंगाल के गवर्नर जनरल बने तब वो अपने साथ ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आए, जिसके तहत मान लीजिए अगर आप एक राजा हैं और आप अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडरी अलाइंस की पॉलिसी साइन करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अपनी खुद की जो आर्मी है जो आप इतने सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं उसको आपको डिसबैंड करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको घर भेजना पड़ेगा। और आपके लिए अच्छे वेपन्स वाली आर्मी मेंटेनेंस का काम अंग्रेज़ करेंगे और उसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये सब्सिडरी अलाइंस की पॉलिसी थी, लेकिन ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा ट्रैप भी थी। ट्रैप इन द सेंस, मान लीजिए अब आपके लिए आर्मी मेंटेनेंस का काम अंग्रेज़ कर रहे हैं, आपकी खुद की जो ट्रेडिशनल आर्मी है उसको घर भेज दिया गया है, यानी ना चाहते हुए भी आपको अंग्रेज़ों के मुताबिक ही सारे काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ऑब्वियसली बात है कि आपके पास अपनी आर्मी नहीं है और आप अंग्रेज़ों के साथ युद्ध भी नहीं लड़ पाएंगे, आप कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। यही नहीं, सब्सिडरी अलाइंस के अंडर आपके दरबार में एक एजेंट भी छोड़ दिया जाएगा जो कि रेसिडेंट कहलाएगा और वो पूरा ख्याल रखेगा कि आप नीचे ही नीचे किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी अंग्रेज़ों के खिलाफ ना करें। तो यहाँ चारों युद्ध लड़ने के बाद फाइनली मैसूर की वोदियार डायनेसी को इसी सब्सिडरी अलाइंस में एंटर करवा के एक तरह से मैसूर को पूरी तरह से हड़प लिया गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेट आप यहाँ देखते हैं वो है मराठास का। मराठास के साथ भी युद्ध हुए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 82 के बीच में रहा, जिसमें कोई क्लियर कट विनर नहीं था, लेकिन हाँ सालबई ट्रिटी ज़रूर मराठास और अंग्रेज़ों के बीच में साइन हुई, जिसके तहत मराठास अपनी टेरिटरी, अपनी ज़मीन के ऊपर अंग्रेज़ों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियन व्यापारी को घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच चला,
जिसके तहत आप यहाँ पे काफ़ी हद तक मराठास को कमज़ोर होते हुए देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ले ने भोसले, सिंधिया और गायकवाड्स को हरा कर उन्हें सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में एंटर करवा लिया। होलकर्स बच गए क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ले की ज़रूरत ब्रिटेन में पड़ आई थी, वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ते का फैलाव बढ़ता जा रहा था, इसी वजह से लॉर्ड वेलेस्ले को यहाँ से वापस बुला लिया गया और होलकर्स जो हैं वो एक तरीके से इस अलायंस में घुसने से बच जाते हैं, एंटर होने से बच जाते हैं। लेकिन फिर हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 18 के बीच में चला। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एक ऐसा आखिरी मौका माना जाता है जो कि मराठास को मिला। बेसिकली वो एक लास्ट स्टेप लेना चाहते थे पूरे मराठा एम्पायर को अंग्रेज़ों के कब्जे से बचाने के लिए, लेकिन ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठास बहुत बुरी तरह से हारे और इस बार होलकर्स जो हैं वो भी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में ज़बरदस्ती एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ के आखिर में चारों जो फैमिलीज थी मराठा एम्पायर की उनको सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवा लिया गया, यानी कि वो भी अब इस ट्रैप में फंस कर एक तरीके से कोई भी कदम अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं उठा सकती। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सिख एम्पायर के साथ भी अंग्रेज़ों का युद्ध होते हुए देखेंगे। यहाँ दो युद्ध हुए हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर का मायना थोड़ा सा अलग है। जिस समय महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे सिख एम्पायर के राजा, उस समय अंग्रेज़ों ने उनके साथ एक ट्रिटी साइन की गई थी, नेविगेशन ट्रिटी, जिसके तहत वो सिंध नदी पर नेविगेट कर सकते थे और अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से सिख एम्पायर को ये प्रॉमिस किया था कि वो इस एम्पायर के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के बाद जब महाराजा खरक सिंह राजा बने, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर तरीके से सिख एम्पायर के साथ युद्ध भी लड़ा और उस एम्पायर को ह्यूमिलिएटिंग ट्रिटी के साथ यहाँ पे एक तरीके से कब्जे में भी लिया। तो ये जो दो एंग्लो सिख वॉर है 1846 और 1848 के, इसमें पूरी तरह से सिख एम्पायर भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, मैसूर ऑब्वियसली एंग्लो मैसूर वॉर के ज़रिए कैप्चर किया गया, एंग्लो मराठा वॉर के ज़रिए मराठास को भी कैप्चर किया गया और उन्हें सब्सिडरी अलायंस में एंटर करवाया गया। वहीं अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही अंग्रेज़ों के काफ़ी हद तक अधीन हो गए थे और मुग़ल सल्तनत के राजा जो है वो ब्रिटिशर्स की पेंशन के अंडर ही जीवित रह रहे थे। वहीं अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध को भी पूरी तरीके से यहाँ पर युद्ध लड़ के कैप्चर किया गया। सिख एम्पायर को दो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर जो है उनके ज़रिए यहाँ पर पूरी तरह से उस टेरिटरी को कैप्चर किया गया। और वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के साथ किसी तरह का युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हैदराबाद के निज़ाम्स ने खुद ही अपने आप को सरेंडर करते हुए सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को साइन किया। अवध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉर्ड वेलेस्ले जब सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेकर आए तो अवध ने भी बिना युद्ध लड़े खुद ही अपने आप को सरेंडर करते हुए सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में एंटर हो गए। और वहीं अगर हम बंगाल स्टेट की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल जो है वो इस एरिया में काफ़ी पहले से ही बढ़ चुका था। वहीं अगर हम केरला वाले रीजन की बात करें, ये जो त्रावणकोर वाला एरिया है इसकी अगर हम बात करें, जहाँ पे मर्तंड वर्मन की फैमिली रूल कर रही थी, मर्तंड वर्मन एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और इसी कारणवश यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कभी भी इस एरिया को डायरेक्टली कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। एंड उन्होंने यही कोशिश की कि ये वाला जो एरिया है इसके साथ फ्रेंडशिप अलायंस बनाया जाए। तो बाकी एरिया अगर देखते हैं आप तो उनके साथ युद्ध लड़कर उन एरियाज़ को कैप्चर किया गया, सब्सिडरी अलायंस में उन्हें एक तरीके से एंटर करवाया गया, लेकिन ये कोची वाला जो इलाका है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप अलायंस बनाकर इसे कैप्चर किया गया। वहीं ये जो कार्नेटिक रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पे फ्रांसीसियों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पर भी एंग्लो फ्रेंच वॉर लड़ के ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को भी अपने अंडर कैप्चर किया। सो दिस इज हाउ ब्रिटिश इंडिया वॉज क्रिएटेड थ्रू वॉर्स एंड ऑब्वियसली डिफरेंट पॉलिसीज, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ भारत के अलग अलग हिस्सों में कामयाब रहे। ये सारा का सारा काम आप यहाँ पे 1855-56 तक होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे
एक तरीके से लॉर्ड डलहाउसी की, और लॉर्ड डलहाउसी के समय में ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हुई जिसकी वजह से पहली बार इस तरह का सप्रेशन झेलते हुए भारत के लोग यहाँ रिवोल्ट करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर एंड ज़रूर ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें। थैंक यू।